भाई T20 वर्ल्ड कप 2024 का इसको महामुकाबला बोला जा रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को, और ये अपने हाइप के ऊपर खरा उतरा है। लो स्कोरिंग थ्रिलर हमें देखने मिला और जिस तरह से इंडिया का फाइट बैक हुआ उसकी बात करते इस वीडियो में, तो बने रहो वीडियो के एंड तक। चलो अब शुरू करते इस वीडियो को। टॉस जीता था बाबर आजम ने, बॉलिंग करने का फैसला किया था। ओवरकास्ट कंडीशन थी, बहुत टाइम पेज के अंडर था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मॉइस्चर था। डिसीजन बहुत ही ज्यादा सही था बाबर आजम का, और रोहित शर्मा ने पहली ओवर में शाहीन शाहरुखी को बहुत ही ज्यादा फूट दिया था, लेकिन पहला ओवर होने के बाद ही मैच रोका गया बारिश के चलते और आधे घंटे का डिले हुआ। जब ये वापस आए तो नसीम शाह बॉलिंग कर रहा था और विराट कोहली ने चौका मारने के बाद अपनी विकेट गवा दी। दो मैचेस में बहुत ही लो स्कोर बने हैं। रोहित शर्मा भी अगले ओवर में आउट हो गए शाहीन शाह अफरीदी के बॉलिंग पे। नंबर 4 के ऊपर भेजा गया अक्षर पटेल को ऋषभ पंत के साथ बैटिंग करने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच था क्योंकि वहां पे सूर्य कुमार यादव को आना चाहिए था, लेकिन ये अप्रोच जो थी बहुत ही अच्छी साबित हुई इंडिया के लिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बनी वहां पे 39 रन की ऋषभ पंत और अक्षर पटेल के बीच में, जहां पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ। 20 रन बनाए 18 बॉल में अक्षर पटेल ने और आउट हो गया वो नसीम शाह की बॉलिंग पे। ऋषभ पंत बहुत कुछ ट्राई कर रहा था, वह एजिस लग रहे थे, बहुत बार बच रहा था, 2-3 बार तो स्लिप्स के ऊपर से गया, बहुत बार कैच ड्रॉप हुआ, बहुत सारे मौके थे और जितना लक लेके आया था वो पूरी तरह से उसने इस्तेमाल किया अपने सीरीज में। सूर्य कुमार यादव शिवम दुबे ने एक बार फिर हमें निराश किया। शिवम दुबे आउट होने के बाद ऋषभ पंत भी आउट हो गया, लेकिन 42 रन की जो ये पारी थी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। 96/7 पे स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि ऋषभ पंत आउट होने के बाद अगली बॉल पे रविंद्र जडेजा पहली बॉल के ऊपर आउट हो गए। जितने भी मौके मिल रहे रविंद्र जडेजा को T20 में, वो हर एक मौके के ऊपर पानी फेर रहे। हार्दिक पांड्या बहुत देर तक रुके क्रीज के ऊपर, एक ही चौका लगाया, उसके बाद वो भी आउट हो गया, लेकिन उससे ज्यादा इंटेंट के साथ अरिजीत सिंह बैटिंग किया। ये स्कोर पहुंचा 119 पे, ऑल आउट होगी टीम इंडिया 6 बॉल बाकी रखकर। ये स्कोर कहीं ना कहीं 140-150 भी जा सकता था अगर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की एक पार्टनरशिप बन जाती तो। 3-3 विकेट मिले हारिथ रॉफ और नसीम शाह को, 2 विकेट मिले मोहम्मद आमिर को और शाहीन शाह अफरीदी को भी 1 विकेट मिला। रन बॉल चेस करना था पाकिस्तान की टीम को, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपन करने आए थे। संभली हुई शुरुआत थी, स्टार्टिंग में विकेट नहीं मिला था। अर्शदीप सिंह पहली ओवर में और मोहम्मद सिराज दूसरी ओवर जब किए तो उनको विकेट नहीं मिला। तीसरी ओवर बुमराह जब करने आए तो वहां पे थोड़ा प्रेशर और ज्यादा बढ़ने को लगा। पावर प्ले की 5वीं ओवर में जब बुमराह का दूसरा ओवर चल रहा था वहां पे बाबर आजम को आउट किया। उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान के बीच में एक पार्टनरशिप छोटी सी जरूर बनी, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब पहला बॉल डालने आए अक्षर पटेल, वहां पे विकेट गिरा उस्मान खान का, और वहां पे जब विकेट गिरा उसके बाद एक एक विकेट गिरते गए। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान के बीच में पार्टनरशिप बनने से पहले हार्दिक पांड्या ने फखर जमान को आउट किया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, बहुत ही ज्यादा इनफॉर्म प्लेयर है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। प्रेशर बढ़ता गया, हम सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे रिजवान को आउट करने के लिए, क्योंकि वो एक विकेट जो था वो अभी भी आना बाकी था। जब प्रेशर बहुत ही अपनी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था तो वहां पे जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग दिया, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आउट किया था रिजवान को जसप्रीत बुमराह ने, सेम वैसे ही आउट किया इस T20 वर्ल्ड कप में भी। जब ये विकेट गिरा तो पूरी तरह से इंडिया इस मैच को अपने काबू में ले गई थी, लेकिन शादाब खान इफ्तिकार अहमद अभी भी बाकी थे। शादाब खान को आउट करने की जिम्मेदारी लिया हार्दिक पांड्या ने और इफ्तिकार अहमद को आउट किया जसप्रीत बुमराह ने। मैच टोटली अपने हाथ में आ गया था, 18 रन चाहे थे आखिरी ओवर में और अरिजीत सिंह कर रहा था आखिरी ओवर, हम बस दुआ कर रहे थे कि वो नो बॉल ना डाले और वही हुआ। अच्छा, हर एक बॉल यॉर्कर के ऊपर डाला जरूर, आखिरी के 2 बॉल पे 2 बाउंड्री जरूर लगे, लेकिन बहुत ही कमाल की बॉलिंग थी अरिजीत सिंह की आखिरी ओवर में। 6 रन से जीता इंडिया ने इस मैच को। अरिजीत सिंह ने 31 रन देकर 1 विकेट निकाला, 3 विकेट मिले जसप्रीत बुमराह को, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल, सिर्फ 14 रन दिए 4 ओवर के स्पेल में। मोहम्मद सिराज को विकेट नहीं मिली लेकिन 19 रन दिए 4 ओवर में। हार्दिक पांड्या रन बॉल कंसीड किया 4 ओवर के स्पेल में, साथ ही 2 विकेट निकाला और अक्षर पटेल 1 विकेट 2 ओवर में। प्लेयर ऑफ द मैच मिला जसप्रीत बुमराह को उसके इतने कमाल की बॉलिंग के लिए। अब 2 में से 2 मैच जीतकर टीम इंडिया ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो गई है और 2 में से 2 मैच हारकर पाकिस्तान डिसक्वालीफाई होने के कगार के ऊपर है। अब वो वेट करेंगे कि यूएसए की टीम अपने दोनों मैच जो इंडिया और आयरलैंड के साथ है ये बड़े मार्जिन से हारे, और मोस्ट इंपोर्टेंटली उनको वो 2 बचे हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे बड़े मार्जिन से क्वालिफाई होने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्वालिफाई करेगी सुपर 8 के लिए या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही कमेंट करके बताओ आपके क्या राय है इस मैच को लेकर। मिलता हूं आपको अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय।